तो इधर बलिया में जिला चिकित्सालय दलालों का अड्डा बन चुका है। जिला चिकित्सालय के काउंटर पर दलालों का कब्जा कहीं ना कहीं बना हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। पर्ची काउंटर पर आप देखेंगे कि एक तरफ मरीजों के परिजन पर्ची लेने के लिए काउंटर पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच दलाल पर्ची काउंटर से ही मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर ले जाने में सफल हो जाते हैं। इस खेल में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। कई महिलाएं तो जब कैमरा देखती हैं अपना मुंह छिपाकर वहां से भागने लगती हैं। जब इसकी जानकारी सीएमएस से ली गई तो उनका कहना है कि इसके लिए हमने लिखित शिकायत कोतवाली को दे दी है। इतने बड़े अस्पताल में जहां 2000 से 2200 मरीज आते हैं इतना इंक्वायरी कर पाना मुश्किल है। तो एक तरीके से आप बलिया जिला चिकित्सालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां कहीं ना कहीं इस चिकित्सालय में दलालों का अड्डा जो है वो पूरे जोर पर है। यहां जो दलाल पहुंचते हैं वो काउंटर से ही पर्ची कटवाने जो मरीज के परिजन पहुंचते हैं उन्हें वहीं से अपने साथ लेकर चले जाते हैं और जो मरीज सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं उन्हें जो दलाल हैं अपने साथ प्राइवेट अस्पतालों में लेकर चले जाते हैं। अब इस पूरे मामले पर जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा गया तो जिम्मेदारों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं हर किसी की जांच कर पाना बहुत मुश्किल है। आप दूसरे का पर्ची कटवा रहे हैं? रिश्तेदार में आया है। कल भी आप दिखाई दी थी, आज भी दिखाई दे रही है? नहीं, कल भी वीडियो में आपका है। हम क्या पर्चे क्या आपका आपका पर्चे क्या है? मैंने किस पद पर आप है? कैसा कागज लिया? मैंने सर का क्या जिला अस्पताल में कर क्या रहा? अरे किस कार्य सा है? सर का ड्यूटी देने वाला है। आप जिला अस्पताल में कार्यरत में क्या हैं? आप कार्यरत में कौन सा पद है आपका? सर मैं रहता नहीं हूँ। कैसा कागज आप लिए? आप उनके कौन लगते हैं? किसके साथ में रहते हैं आप? सर कौन सा है ये? अनिल सिंह। क्या करते हैं यहाँ पे आप? क्या करते हैं? क्या देने जा रहे हैं? ये क्या है अभी आपके हाथ में? क्या है? किस तरह की पर्ची है? के खिलाफ चिट्ठी लिख चुका हूँ कोतवाली को, एसओ को तीन चार बार उनको बता चुका हूँ, फोन भी कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ उनको। और साथ में उनको ये कहा गया है कि आप यहाँ पे जितने इस तरह के अवांछित और गंदे लोग हैं उनको आप पकड़े। अभी तक क्या जिला प्रशासन जो जिला प्रशासन है जिस आपने कोतवाली को तहरीर भी दी है तो क्या अब तक इसमें दलाल पकड़ा गया है कि नहीं? जी हाँ, उन्होंने दो 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 तीन बार यहाँ पे एक चंदवली कौन सा लड़का यादव जो था कांस्टेबल और एक चंद्रहास दो लोग थे, अभी इतना ट्रांसफर हो गए हैं, वो लोग लेके आए थे, वो सब भाग गए, वो सब अब नहीं दिखाई दे।